नमस्कार दोस्तों, मैं अभी तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो कार्स में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, बहुत सी कार में ये प्रॉब्लम आता है, ये जो टायर से आगे के ये एक साइड से ज़्यादा घिसते हैं। ये देखो, ये स्कॉडा रैपिड है और इसके आगे के दोनों टायर आप देखोगे ना तो एक साइड से देखो कितने घिसे, और ये देखो ये यहाँ से घिसा है और अंदर के जो तार होते हैं ये भी बाहर आए हुए, देखो ये इतना घिसा है। तो ये असल में प्रॉब्लम एक्चुअली अलाइनमेंट का भी हो सकता है, लेकिन अलाइनमेंट करके आपको देखना है पहले। तो इस गाड़ी की हमने अलाइनमेंट की पहले, लेकिन इसका कास्टर और काम्बर जो है वो ठीक नहीं आ रहा था, बाकी तो टो वगैरह ठीक आ रहा था। तो कास्टर काम्बर का ही रोल होता है इसमें, टायर जो ज़्यादा घिसते हैं इसमें। तो इसमें हमें सस्पेंशन के कुछ पार्ट चेक करने पड़ते हैं और वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम खोलने वाले हैं इसका सस्पेंशन और इसके कौन कौन से पार्ट ये टायर एक साइड से वेयर आउट होते हैं, ज़्यादा घिसते हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, कौन कौन से पार्ट डिफेक्टिव होते हैं, ये देखने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम इसका सस्पेंशन खोलेंगे। तो सस्पेंशन खोलने के लिए क्या क्या खोलना होता है मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो ऊपर से 21 नंबर का नट होता है वो निकालना है, इससे क्या है शॉक एब्जॉर्बर आ जाएंगे। इसके बाद ये स्टेयरिंग के एंड है वो खोलने हैं, ये बीच का एक्सल का जो नट है वो खोलना है। वो स्कॉडा रैपिड और वेंटो में वगैरह दो टाइप होते हैं, एक 30 नंबर का होता है एक 36 नंबर का होता है, तो उन दोनों में से हो सकता है। और ये जो ब्रेक के कैलिबर है ये निकाल के लेने पड़ेंगे। इसके बाद ये रोटर्स निकालना पड़ेगा और ये जो इधर नट वगैरह है और ये निकालने पड़ेंगे। ये देखो ये लोअर आर्म निकालना पड़ेगा ये नट निकाल के, और ये जो हमारे स्टेबिलाइज़र के लिंक है ये भी निकालने पड़ेंगे। तो ये सब मैं निकाल के लेता हूँ और निकालना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको सब दिखाने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो टायर एक साइड से ख़राब होता था उसका कारण हमें मिल गया, ये माउंटिंग देखो, माउंटिंग पूरा डैमेज हो गया है एक साइड से, तो ये भी कारण है। इसके बाद ये जो लोअर आर्म के बॉल जॉइंट होते हैं इसमें भी थोड़ा सा प्ले है, आप हिला के देखोगे ना थोड़ा प्ले इसमें है, और ये ऊपर नीचे ऐसा थोड़ा सा है नॉमिनल प्ले। तो ये मैंने नया लाया है, ये देखो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसमें ज़रा भी प्ले नहीं रहना चाहिए, इसमें प्ले रहता है तो भी टायर आपका ख़राब हो सकता है। इसके बाद ये हमारा लोअर आर्म है और इसका बूश देखोगे ना तो इधर से थोड़ा सा कट हो रहा है, मतलब पूरा भी कट नहीं हो गया है, अभी ये थोड़े दिन ऐसे ही चलाऊंगा तो पूरा कट हो जाएगी, ये थोड़ा सा कट है तो ये भी हम चेंज करने वाले। इसके बाद ये जो शॉक एब्जॉर्बर का बेरिंग है ये देखो ये जाम हो गया, इसके कारण जो हमारा स्टेयरिंग है ये जाम आता है, तो ये बेरिंग वगैरह सब चेंज होगा। तो एक शॉक एब्जॉर्बर की असेंबली है ये हमने, ये देखो ये पुलर वगैरह लगा के निकालनी पड़ती है बेरिंग लगाने के लिए, तो ये लगा दिए, ठीक है। इसके बाद ये सब बफर वगैरह इसका ये भी सब चेंज होगा, इसके ऊपर बेरिंग बैठता है, उसके ऊपर प्लेट आती है और नट आता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर चेक करते हैं देखो। तो इसमें वॉल्सवैगन में दो टाइप के आते हैं, एक तो गैस फिल्ड आता है, गैस फिल्ड आता है तो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा, ऐसा दबेगा नहीं, ये विदाउट गैस फिल्ड है। ये आप पार्ट नंबर से चेक करोगे ना, सर्च करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कौन सा गैस फिल्ड है ये, कौन सा गैस फिल्ड नहीं है। ये विदाउट गैस है, मतलब ये आपको चेक कैसे करना है, ये आपके खींचना है ताकत लगा के, अगर लोड ले रहा है तो अच्छा है, और ज़ोर से दबाओगे ना तो भी लोड लेना चाहिए, ऊपर उठाओगे तो ज़्यादा लोड लेना चाहिए। ये देखो ये लोड ले रहा है मतलब ये अच्छा है, एकदम इजीली नहीं घूमना चाहिए, इजीली घूम रहा है इसका मतलब है ये ख़राब है। तो ये एकदम प्रॉपर है शॉक एब्जॉर्बर, और इसमें डेट भी छपी होती है, 2015 में डाला है, 3-4 साल ही हो गए इसको, तो एकदम प्रॉपर कंडीशन में है, और इधर से ऑयल वगैरह कुछ लीक नहीं है, तो ऑयल लीक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ऑयल लीक हो गया शॉक एब्जॉर्बर में तो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद मैं आपको बेरिंग दिखाता हूँ। ये देखो ये नया बेरिंग है, ये ऐसा घूमना चाहिए एकदम फ्रीली, तो ये घूम ही नहीं रहा है, घूम रहा है लेकिन ऊपर का सिर्फ प्लास्टिक घूम रहा है, ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बूश देखो, ये नया बूश लाए हैं हमने, ये इस तरह बूश जाएंगे, और ये हमारे लोअर आर्म के बूश। तो लोअर आर्म के बूश डालते समय हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मार्किंग रहती है, ये मार्किंग जैसा ही हमें ये लगाना है, ये देखो इसी तरह ये लगेगा इसमें, और ये भी बुझ जाएंगे। तो ये हमें प्रेस करने पड़ेंगे, ये प्रेस करके हम लेके आते हैं करके,
इसके बाद जो हमारा रोटर्स है, मतलब डिश कहते हैं उसको, इस पर भी देखो ये भी बहुत इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए। ये स्क्रैचेस आते हैं तो ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं करता। इसके बाद जो हमारे ब्रेक पैड है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जो हमारा ये रिम है या फिर मैगविल है उसको अगर आप ब्लैक कलर की पाउडर नोटिस कर सकते हो, ब्लैक कलर की पाउडर निकलती है, तो ये इसके कारण होता है। इस पर भी हम कट मार के लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी ये शॉक एब्जर्वर की असेंबली वगैरह मैं इधर करूँगा और बाकी जो है ये प्रेस मशीन पे लेके जाके मैं ये बुश वगैरह मार के लेके आऊँगा और ये जो रोटर है ये कट करके लेके आऊँगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये जो टायर खाने की समस्या है, टायर एक साइड से ख़राब होने की समस्या है, तो ये माउंटिंग इसमें ज़िम्मेदार रहते हैं, इसका भी रोल होता है, और ये जो लोअर आर्म के बुश है उसका भी रोल होता है। तो आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है क्या गया है। और ये मैं ऐसे ही लगा देता ना तो भी चलता, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्ले नहीं है, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन एक बार मैं सब बदलूँगा ना तो वापस काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये शॉक एब्जॉर्बर में हमारी स्प्रिंग, डश कवर और अंदर नया बफर डाल दिया है, बेरिंग नया डाल दिया है और ये माउंटिंग नया। अभी देखो एकदम फ्रीली घूम रहा है और एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये। तो अभी ये गाड़ी में बैठेगा, इसके ऊपर ये जो कैप है ये लगेगी और इसके अंदर नट लगेगा, ठीक है। अभी इसकी फिटिंग भी, अभी हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर के असेंबली है वो प्रॉपरली फिट हो चुकी है और ये देखो ज़रा भी प्ले नहीं है इसमें, एकदम प्रॉपरली फिट हो गई। और हमने प्रेस मशीन पे जाके, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन पे जाके ये जो इसके बुश वगैरह है ये भी प्रॉपरली फिट करके लेके आए। तो इसकी मार्किंग रहती है, ये मार्किंग के हिसाब से लगाना पड़ता है और ये भी जैसे पहले थे वैसे लगाने पड़ते। इसके बाद ये रोटर्स है या फिर जो ब्रेक की डिश है वो भी हमने ये करके ली, कट करके ली और ये प्रॉपरली हो गई। इसमें स्क्रैचेस वगैरह थे वो भी चले गए। और जब भी हम ये करते हैं ना, हमारे रोटर्स कट करते हैं, तो ब्रेक पैड हमेशा नए डालने चाहिए, क्योंकि जो पुराने ब्रेक पैड होते हैं वो घिसे हुए होते हैं। अगर पुराने यूज़ करने ही है, ज़्यादा घिसे नहीं है, तो उस पर ये हमारा जो सैंड पेपर होता है उससे अच्छे से सरफेस जो है स्मूथ करके फिर यूज़ करना चाहिए उसको। तो यही है, ये सब प्रॉब्लम था हमारी कार्स में, ये प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व कर दिया है, अभी सिर्फ लगाना बाकी है। ये सब लगा देंगे और इसके बाद हम ट्रायल वगैरह लेंगे, और ये लगाने के बाद डेफिनेटली हमारे जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था, एक साइड से टायर ख़राब होते थे, वो जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए मतलब उसका जो सर्विस पीरियड है तब तक ये। तो फिटिंग वगैरह सब हो गई है, सस्पेंशन का जो भी काम हमने किया, इसके बाद जो रोटर कट की है, माउंटिंग वगैरह बदले, वो सब फिटिंग है वो प्रॉपरली हो गया है। तो यही होता है, अभी जो हमारी गाड़ी है उसका अलाइनमेंट होगा और अलाइनमेंट होने के बाद हमें टायर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि टायर ये ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह जो ये जो टायर एक साइड से जाने की बीमारी है, तो इनका कारण ये जो आपने वीडियो देखा ये सब इसके कारण होते हैं। तो आपके अलाइनमेंट आउट है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादातर अलाइनमेंट आउट है तो अलाइनमेंट हम रेगुलर चेक करते हैं, उसमें समझ में आता है, लेकिन इसके अलाइनमेंट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।